दोस्तों, क्या आपको पता है व्हाट्सएप कैसे बना और किस आधार पर बना? तो चलिए आज हम व्हाट्सएप की एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं आपको। व्हाट्सएप का ख्याल सबसे पहले जैन कॉम को आया था, क्योंकि जब वे जिम जाते थे तो उनके फ़ोन्स में कई सारे मिस कॉल मिलते थे। इसी से उनको ऐसा महसूस हुआ कि अगर ऐसा कोई ऐप बनाया जाए जिससे कि लोगों को हमारे स्टेटस के बारे में पता चल जाए कि हम कहां पर हैं, या उन्हें ये बता सकें कि हम अभी कोई फ़ोन कॉल रिसीव नहीं कर सकते हैं, ताकि लोग सही समय पर हमें कॉल कर सकें। 2009 में एक्स याहू एम्प्लॉय जैन कॉम ने व्हाट्सएप मैसेजिंग ऐप बनाया, जिसमें एसएमएस और एमएमएस दोनों की सुविधा थी। जैन कॉम और ब्रायन एक्टन ने यह ऐप अक्टूबर 2009 में बनाया था। 2011 तक ये ऐप टॉप सेलर बन गया था। आईफोन, एंड्रॉयड और ब्लैकबेरी में यह काफ़ी प्रचलित था। फरवरी 2015 तक कंपनी के 200 मिलियन यूज़र्स बन चुके थे। फरवरी 2014 तक फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीद लिया था। जनवरी 2015 तक ऐप ने 600 मिलियन एक्टिव यूज़र्स को पार कर लिया था। अब व्हाट्सएप फेसबुक का सेकेंड बिगेस्ट प्रॉपर्टी बन गया था, मैसेंजर और इंस्टाग्राम के बाद। क्या आप लोग जानते हैं कि व्हाट्सएप ने कुछ स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करके यूज़र बेस में काफ़ी ग्रोथ कर लिया था? जैसे व्हाट्सएप एक सिंपल टूल है जो कि लोगों को वही करने का मौका देता है जो लोग करना चाहते हैं, बिना किसी इंटरफेरेंस के। यह ऐप एंड टू एंड एन्क्रिप्शन पर काम करता है, इसमें थर्ड पार्टी इंक्लूड नहीं होती है। व्हाट्सएप को हम सिर्फ अपने फ़ोन नंबर के द्वारा ही इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड याद रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। व्हाट्सएप ने क्लीन और फास्ट चैट पर भी ध्यान दिया, ताकि लोगों तक फ्लॉलेस सर्विस पहुंच सके, जिससे दूसरे ऐप्स की तरह इन्हें प्रमोटिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ब्लैकबेरी की BBM की तरह यह किसी पर्टिकुलर फ़ोन पर इंस्टॉल नहीं होती है। यह मल्टी प्लेटफॉर्म है जो किसी भी फ़ोन पर, एंड्रॉयड फ़ोन पर इंस्टॉल हो सकती है। इससे इसके एक्टिव यूज़र्स 250,000 तक बढ़ गए। व्हाट्सएप फर्स्ट ईयर के लिए फ्री रखा गया था, इसके बाद पर ईयर $1 रखा गया। इससे व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना लोगों के लिए बहुत ही आसान हो गया। लोगों को यह सबसे आसान और सेफ लगा जब वे किसी अपने दोस्त के साथ चैट करते हैं और बिना किसी इंटरफेरेंस के। 2016 के बाद से सब्सक्रिप्शन मॉडल भी ख़त्म हो गया, परंतु अभी भी थर्ड पार्टी इंक्लूड नहीं की गई थी। अब 2018 में व्हाट्सएप बिजनेस को लॉन्च किया गया, ताकि बड़े स्तर पर कस्टमर से कॉन्टैक्ट किया जा सके, जिससे व्यापार का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाएगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर और लाइक करें, और अगर कुछ कमेंट करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।